सबसे पहले तुम आपका नाम जानना चाहते हैं। सर मैं सना प्रधान गांव साकरस। भाजपा की तरफ से आपके पास क्या जिम्मेदारी? भाजपा की तरफ से हमारे पास जो जिम्मेदारी, हम राव इंद्रजीत सिंह के सिपाही हैं और पूरे इलाके में हम काम कर रहे हैं। हम अपने जोड़ के साथ काम कर रहे हैं। हर गांव में हमारी पार्टी है फिरोजपुर विधानसभा के अंदर। अब आज का जो हमारा दौरा था, कम से कम 12 गांवों का हमने दौरा किया है। सबसे पहले तिगावा, बूचा का और बुबलेड़ी, ढाणा और चांदड़ा का, इन सारे गांवों का हमने दौरा किया। हमारे जितने भी साथी थे हमारी पार्टी के, सारे खड़े हो गए। और जो ये अफवाहें चल रही हैं कि भाई मेवात के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे, ऐसा नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह की बराबर हर गांव के अंदर पार्टी खड़ी है और हम ये उम्मीद करते हैं मेवात वासियों के राव साहब को फिरोजपुर विधानसभा से हमारे हर गाँव के जो पंचायत सरपंच हैं, पंच मेंबर हैं, जो राव साहब के साथ जुड़े हों, हर गाँव से राव साहब को जिता के भेजेंगे। इंशाल्लाह ये हम उम्मीद करते हैं जनता। सना भाई, ग्राउंड से रिपोर्ट आती है, लोग पूछते हैं कि राव इंद्रजीत ने जो विकास मेवात के लिए कराए हैं, आखिर लोगों तक वो विकास की सूची पहुंच नहीं पा रही है, आखिर क्या विकास ने जो मेवात? सर मेवात के अंदर जो सबसे पहले जो हालात खराब थे, भीमा रोड जो पहाड़ी तक गया था, ये इतना खराब रोड हो गया तो यहाँ इतने लोग बीमार हो चुके थे। हमारे मौलाना करम इलाही चेयरमैन की मेहरबानी, उनकी मेहनत जो उन्होंने राव साहब के पास की, उन्होंने इस रोड को पहाड़ी तक राव इंद्रजीत की मेहरबानी से ये रोड हमारा बना। दूसरा, जो हमारा रोड नुहू से लेकर के जो दो बॉर्डर तक आ रहा है, उसमें उनके लगातार प्रयास रहे और उन प्रयासों से ही आज ये रोड हमारा मंजूर हो गया, जिसमें आचार संहिता खत्म होने के बाद हमारा इस रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। ये राव इंद्रजीत सिंह की कार्यशाली रही है। और दूसरा, मेवात की 36 बरादरी को साथ लेकर के चलने वाले नेता हैं, बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया ईमानदार नेता मेवात के लिए साबित हुए। अगर सर बात करते हैं एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन का स्तर घटा है लगातार, क्योंकि स्कूलें तो हैं लेकिन टीचर लेस है, अस्पताल हैं लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और मशीन भी वहां काम नहीं कर रही है, अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं वहां नहीं मिल पा रही है, अगर दवा और दवा अधिकतर लोगों को बाहर से खरीदनी पड़ती है। सर तो किस तरह? सबसे पहले मैं एजुकेशन के ऊपर बात करता हूँ। अगर मेवात को आप उठा के चले गए तो मेवात के अंदर सबसे ज्यादा नौकरियां इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिली। दूसरा, सबसे ज्यादा जो आज बच्चे टॉपर जो निकल के जा रहे हैं MBBS, हमारे MBBS जो लड़के मेवात के सबसे ज्यादा जो है आज की तारीख में जा रहे हैं, तो ये एजुकेशन का बढ़ावा ही है। एजुकेशन बढ़ रही है मेवात में। ये तो अलग है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बातें करती है, लोगों को बड़गड़ाती है कि भाई यहाँ विकास नहीं हो रहा, यहाँ एजुकेशन नहीं हो रही, सब हो रही है। जब पहले लोग जो है ना नेताओं को पैसा देकर के नौकरियां लगा देते, आज इस सरकार के अंदर ये पोजिशन है कि सर जो माइंडेड है, किसी गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, अगर उसके अंदर दिमाग है तो वो अपने क्वालिफिकेशन के ऊपर या अपने टेस्ट की तैयारी के ऊपर जॉब कर रहा है। आज ऐसे मेवात के कम से कम 40 बच्चे JEE टेस्ट कर चुके हैं, जो आज नौकरियां इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगे हुए। क्या कहना चाहोगे सर आने वाले 25 तारीख के लिए, क्या निवेदन करोगे? सर 25 तारीख को तो हम यही मानते हैं कि हम फिरोजपुर विधानसभा तक काम कर रहे हैं। फिरोजपुर विधानसभा से हम ये उम्मीद करते हैं कि फिरोजपुर विधानसभा से राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से आगे जाएगा। अब हमारे सामने एक बाहरी कैंडिडेट आया हुआ है, जो बाहरी कैंडिडेट बॉम्बे से चल के गुड़गांव लोकसभा में आ गया, उसके ऊपर लोग कोई विश्वास नहीं करेंगे। और वापसी जो हमसे जो आलेदा लोग हुए पड़े, वो भी हम उम्मीद करते हैं 24 तारीख तक वो सारे साथी राव इंद्रजीत के साथ बैठ हो जाएंगे। कुछ लोग जो उनकी भीड़ है, वो सिर्फ एक एक्टर होने के नाते, भाई एक फिल्मी एक्टर है, उसको देखने के लिए जाते हैं, इसलिए ज्यादा भीड़ नजर आती है। राव इंद्रजीत के साथ जो भीड़ है वो एक्चुअल में मतदाताओं की भीड़ है, उनके वर्करों की भीड़ है, उनके साथियों की भीड़ है। राव इंद्रजीत ने एक भाषण दिया था नुहू अनाज मंडी के अंदर, उन्होंने कहा था कि मैं जीत तो रेवाड़ी और गुड़गांव से जाऊंगा, मेवात वालों आप भी साझा कर दो, तो इसको बयान सर इस बयान को राव साहब ने इसलिए कहा था कि राव साहब ये चाहते हैं कि भाई मेवात मेरे साथ जो है ज्यादा तादाद में जुड़े, ताकि मैं मेवात के लिए क्या नाम है अच्छी लड़ाई लड़ सकूं,
और उनको हीरवाल में उनको बड़ा नेता मानते हो, पूरा हीरवाल जो है उनको वन साइड वोट डालता है और 36 बरादरी उनको वोट डालती है, और वो ये चाहते हैं कि भाई मेवात में मुझे जिस तरीके से गुड़गावा और बादशाहपुर पटौदी रेवाड़ी 100% उनको वोट जाते हैं, वो ये चाहते हैं कि मेवात भी मेरे साथ 100% में आए, और वो इस तरीके की उम्मीद भी रखते हैं कि मेवात उनके साथ 24 तारीख तक 80% तक मेवात उनके साथ जुड़ेगी। भाजपा का नारा ही सबका साथ सबका विकास और सबको विश्वास की बात करती है, लेकिन राजस्थान का जब देखा गया कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो भाषण दिए गए थे कि मंगल सूत्र वाले जमीन को बेच देने वाले उनको लौटा देने वाले बात, काफी इस तरीके के सेंटेंस वहां बोले गए हैं, तो इन सेंटेंस को सर बढ़ा चढ़ा के लोगों ने अमेंडमेंट करी, अमेंडमेंट करके ये चीजें रखी गई, जबकि उस इसमें दो बार उन्होंने ये चीज कह दी गई है कि हमने ये बात नहीं कही, और बीच में जो हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भी ये बात कही कि मोदी जी ने इस तरीके की कोई बात नहीं कही, और ये बातें बढ़ा चढ़ा के अमेंडमेंट करके छोड़ दी गई है ताकि मुस्लिम समुदाय जो है इस भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाए, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि संविधान बचाने का चुनाव है, संविधान को बदल, अगर भाजपा आई तो संविधान बदल जाएगा, तो इसको किस तरीके से? सर संविधान आज भी बेहतर है, पहले भी बेहतर था, ये सब बनावटी बातें हैं, इन बातों को सिर्फ लोगों के दिमागों को भड़काने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, संविधान पहले भी चल रहा था, संविधान आज भी है। भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है, और 400 पार ही क्यों जरूरी है कि 400 पार से ही कोई संविधान को बदला जा सकता है? सर ऐसा नहीं है, अब भी सरकार, अब जो सरकार चली फुल बहुमत में सरकार थी, अब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो एक इलेक्शन का दौर है, इसलिए इन्होंने इस तरीके की बातें रखी।